बिल्कुल। और मौसम की बात करते हुए बात करेंगे उत्तर प्रदेश, गुजरात से लेकर बिहार और असम तक कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। और इसी बीच मौसम विभाग ने केरल, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा तट पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में भी मॉनसून की सक्रियता बढ़ी है। बिल्कुल, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, छत्तीसगढ़ और उत्तरी कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई है। पश्चिम भारत में भारी बारिश का कहर जारी। और अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी गंगा, गोमती और घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रामगंगा, गर्रा, खनौत, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, कानो, शारदा नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो लखीमपुर खीरी से लेकर बलरामपुर, अयोध्या, उन्नाव, बलिया, बस्ती समेत कुल 20 जिलों के करीब 900 गांव इस वक्त भी बाढ़ की चपेट में हैं। जहां बलिया में घाघरा नदी के कटाव के कारण 13 गांव जो है वो पानी में डूब चुके हैं। वाराणसी की अगर बात करें तो वहां पर 48 घंटों में गंगा नदी का जलस्तर 2 मीटर तक बढ़ चुका है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के करीब 20 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं उनका भी जलस्तर इस वक्त काफी ऊपर बना हुआ है। तो नदियों के जलस्तर की अगर हम बात करें तो रामगंगा है, गर्रा, खनौत, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, ये तमाम वो नदियां हैं बारिश की वजह से जिनका जलस्तर इस वक्त काफी ज्यादा हो गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पल पल की अपडेट अधिकारियों से लेते हुए नजर आ रहे हैं। कहां कहां पर बाढ़ प्रभावित, बाढ़ वाले ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर प्रशासन पूरी तरह से पहुंचा हुआ है, तो ये ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जहां बाढ़ का कहर इस वक्त जारी है। बिल्कुल। तो बाढ़ की पर समीक्षा बैठक योगी आदित्यनाथ ने की, और इस बैठक की अगर हम बात करें तो इस बैठक में योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा करते हुए कहा कि बाढ़ आपदा सहायता और संवेदना का समय है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के साथ 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बाढ़ पीड़ितों के साथ शिष्टता से पेश आने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि भोजन एवं खाद्यान्न की गुणवत्ता व मात्रा का विशेष ध्यान रखा जाए, इससे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ में यदि किसी की फसल का नुकसान हुआ है या नदी से जमीन का कटान हुआ है, ऐसे में सभी जो प्रकरण में सहायता धनराशि 24 घंटों में उपलब्ध कराई जाए। बाढ़ के दौरान जिन गांवों में जल भराव की स्थिति बन रही है वहां पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। इन स्थलों में चारे की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मौसम की बदलती परिस्थितियों पर सतत नजर रखने व राहत आयुक्त कार्यालय सहित सभी जिला प्रशासन को 24 घंटे सातों दिन अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। और अगर देखा जाए तो बारिश इस वक्त पूरे देश में ही हो रही है, लेकिन पूरे देश में से कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर कई सारे जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा बारिश और बाढ़ से प्रभावित इस वक्त है, और इसी पर ताजा अपडेट हम लेंगे। बिल्कुल। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो सहायता राशि है वो भी 24 घंटे के अंदर जो बाढ़ पीड़ित हैं उन तक पहुंचाई जाए। इस वक्त हमारे साथ मुंबई से योगेश, अहमदाबाद से पार्थ, लखनऊ से रामेंद्र और गुवाहाटी से देवाशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत का। गुवाहाटी में मौजूद हैं देवाशीष। देवाशीष, बाढ़ से जिस तरह से हालत वहां बने हुए हैं उसकी लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं, इस वक्त क्या कुछ हालात हैं और कौन से वो जिले और इलाके हैं जो सबसे ज्यादा अभी भी बाढ़ के कहर से प्रभावित हैं? हाँ, देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ पहले ही, अभी जो असम का जो फ्लड सिचुएशन है थोड़ा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा सा मतलब यहाँ का जो मौसम है बारिश अभी नहीं हो रहा है, पिछले 2-3 दिनों से अभी यहाँ से बारिश नहीं है, तो यहाँ से थोड़ा सा फ्लड सिचुएशन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और अब जिलों के बारे में बात करें, जो असम का पहले सबसे इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है वो है धुबरी। धुबरी में बहुत सारे लोग, तकरीबन 8 लाख लोग फ्लड इफेक्टेड है। उसके बाद कछार है, कछार पे भी बहुत तकरीबन 5 लाख लोग इफेक्टेड है। और यहाँ पे जो फ्लड सिचुएशन है वो उसको देखने के लिए सरकार और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रहा है, जो भी चाहिए वो लोग दे रहे हैं। और यहाँ पे जो यहाँ का जो असम का जो चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी
सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि 15 अगस्त से पहले सारी डाटा उन लोगों को सरकार को सबमिट करे, ताकि उन लोगों का जो 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 डैमेज हुआ है उन लोगों को ठीक से पूरा करने के लिए इसका हिमंत बिस्व शर्मा ने बोला था। उन्होंने बोला था कि 15 अगस्त से पहले सारी डाटा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को सबमिट करने के लिए बोला, और 15 अगस्त उसके बाद 1 अप्रैल 2025 वहां तक वो उन्होंने बोला था 1 अप्रैल 2025 तक सारी जो रिलीफ था, जो जितना भी उन लोगों का कंपेंसेशन था, जो भी था, उन लोगों को मिल जाना चाहिए। ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर यहाँ का चीफ मिनिस्टर, असम का चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा ने ये अनाउंस किया था। उसके बाद अभी जो यहाँ का जो सिचुएशन है, वहाँ पे जो SDRF है, NDRF है, यहाँ का जो हेल्थ टीम है, यहाँ पे तकरीबन 100 से 150 यहाँ पे रिलीफ कैंप अभी भी यहाँ पे है, और यहाँ पे जो रिलीफ कैंप है वहां से सारी जो व्यवस्था होनी चाहिए, खाने का होना चाहिए, हेल्थ का इश्यू है, हेल्थ और उसके बाद उसका हेल्थ का और जो सिक्योरिटी चाहिए, जो शेल्टर चाहिए, वो सब यहाँ पे मिल रहा है लोगों को। हम लोगों ने भी कुछ ऐसे रिलीफ कैंप पे गया था, वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों को पूछा था कि आप लोगों को सब कुछ मिला, उन लोगों ने बोला था हम लोग को सब कुछ मिला है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक सेंटर में यहाँ पे सब कुछ मिले, कहीं कहीं कोई ऐसा जो अंदर जो भीतरी वाली जो इलाका है वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन जो यहाँ का जो अभी जो सिचुएशन से पिछले साल से हर एक साल यहाँ पे फ्लड होता है, उसके बाद इस साल जो देख रहे हैं वो अभी तकरीबन 5 लाख लोग अभी भी फ्लड इफेक्टेड है, और जो यहाँ का सिचुएशन है थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। चलिए ठीक है, शुक्रिया देवाशीष, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसी के साथ रुक कर लेते हैं गुजरात के अहमदाबाद का, जहां पर हमारे सहयोगी पार्थ इस वक्त मौजूद है। पार्थ, अगर अहमदाबाद की हम बात करें तो वहां पर किस तरीके की स्थिति है बारिश को लेकर के, और प्रशासन किस तरीके से अलर्ट मोड पर है इस वक्त? जी कृतिका, जिस तरह आपने शुरुआत में ही बताया कि ओडिशा की तरफ एक निम्न स्तर बना हुआ है, उसके कारण अरब महासागर में से बहुत सारी हवाएं आ रही है, बहुत सारे बादल आ रहे हैं, और पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो दक्षिण गुजरात में खास करके सूरत है, फिर भरूच है, नर्मदा है, इन सब डिस्ट्रिक्ट में काफी बारिश हुई। जी, बारिश इस तरह हुई कि एक साथ में बहुत सारी बारिश नहीं हुई, स्टेडी एंड स्लो स्पीड से बारिश हो रही थी। उसकी वजह से क्या हुआ कि कहीं पर पानी भराव का दृश्य हमको नहीं देखने को मिला, नंबर एक। नंबर दो, प्रशासन की ओर से अच्छी व्यवस्था की गई है, जो भी नदी नाले बह रहे, जो कोजवेज बह रहे थे पिछले बारिश में, उसको ठीक ठाक कर दिया गया है, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है कि कहीं पानी नहीं भर रहा, नंबर एक। साथ में अगर मैं कहना चाहूँ तो NDRF की टीम को राजकोट में, सूरत में दो जगह पर तैनात किया गया है, क्योंकि क्या है कि आने वाले कुछ दिनों में दक्षिण गुजरात में काफी बारिश की हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। आज भी अगर हम बात करें तो रेड अलर्ट की स्थिति सूरत में है, भरूच में है, नर्मदा में है, छोटा उदयपुर में है, अमरेली में है, कुछ एरियाज ऑफ सौराष्ट्र जहां पर अमरेली भावनगर आते हैं वहां पर भी भारी बारिश की स्थिति है। साथ में ऑरेंज अलर्ट भी दिया गया है मध्य गुजरात में। मध्य गुजरात की अगर मैं बात करूं तो मध्य गुजरात ऐसी जगह है जहां पर कम बारिश आती है, लेकिन कल देखने को मिला कि अहमदाबाद है, गांधीनगर है, महसाणा है, यहां पर भी अच्छी खासी बारिश हुई, 2 से 2.5-3 इंच बारिश हो चुकी है। और राजकोट की अगर मैं बात करूं तो राजकोट में भी कल 5 से लेकर 5.5 इंच जैसी बारिश को नोट किया गया था, और आज भी तंत्र अलर्ट मोड पर है, क्योंकि क्या है कि हवामान विभाग ने, मौसम विभाग ने ये बताया है कि आज भी काफी बारिश दक्षिण गुजरात में हो सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर तस्वीरों में हम देख रहे हैं किस तरह से जलमग्न नजर आ रही हैं सड़कें और घर भी। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, रामेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, यहाँ पर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं, तुरंत राहत देने की यहाँ पर घोषणा की गई है, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त, किस तरह से कोशिश यहाँ प्रशासन की है कि जो तमाम पीड़ित लोग हैं उन तक मदद जल्द से जल्द पहुंचे? पूरे उत्तर प्रदेश में दो तरीके की बाढ़ है, एक तो वो बाढ़ है जो गंगा नदी के कारण, सरयू के कारण या राप्ती के कारण आ रही है, जो नदियों का जलभराव गांव तक हुआ है, शहरों तक हुआ है। दूसरी वो बाढ़ है जैसे शाहजहांपुर, गोरखपुर और हरदोई, हरदोई में कल बहुत ज़बरदस्त बाढ़ हुई तो घरों में पानी भर गया, राप्ती के कारण गोरखपुर में बाढ़ का प्रयोग है, और जो गंगा की सहायक नदियां हैं उनके कारण शाहजहांपुर में पानी भर गया, तो शहरों में भी पानी है और गांव के जो कटरी इलाके हैं उनमें पानी भर गया। गंगा जैसे जैसे बढ़ गई उन्नाव से लेकर के और सीधे वाराणसी तक जो तराई वाले गाँव हैं उनमें पानी भरने की आशंका, कई गाँव में पानी भर गया है, यहाँ प्रशासन चौकियाँ लगाकर स्थापित किया है। देखिए, मुख्यमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और स्पष्ट निर्देश है कि जितनी सहायता हो सकती है विनय भाव के साथ करिए। अधिकारी यह न सोचे कि वो किसी को दे रहे हैं, वो ये सोचे कि सेवा भाव है, उस तरीके से किया जाए। पिछली बार 5 ADM को उन्होंने कार्रवाई की थी, उनका कारण बताओ नोटिस जारी किया
किया था और जिन पीएससी के जवानों ने रेस्क्यू किया था लोगों को उनको तुरंत सम्मानित किया था। यानी दोनों काम एक साथ मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि लोगों को कैसे सुविधा मिल रही है, कैसे उनको मिलती रहे, उसकी लगातार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गृह मंत्री ने भी कल मुख्यमंत्री से बात की है कि जो भी जरूरतें हैं वो केंद्र सरकार मुहैया कराएगी, आप चिंतित ना हो, और मुख्यमंत्री ने भी उनको पूरी रिपोर्ट दी कि क्या हालात है बाढ़ के। जया ठीक है रामेंद्र, आपके पास वापस आएंगे। मुंबई से योगेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए। देखिए मुंबई, योगेश अगर मुंबई की हम बात करें तो मुंबई में बारिश हर साल ही होती है और हर साल ही हम ये तस्वीरें देखते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन की अगर हम बात करें तो किस तरीके की तैयारी है प्रशासन की तरफ से और कैसे बारिश जब लगातार हो रही है तो इंतजाम किस तरीके से वहां पर किए गए हैं और ऐसे हालातों से निपटने की जो कवायद है वो की जा रही है? पहले बारिश की अगर बात करें तो टोटल अब तक अगर ओवरऑल देखें जब से मानसून आया है यहाँ पर जून से 1209 मिलीमीटर बारिश अब तक हुई है, जिसमें कि 864 मिलीमीटर के करीब बारिश सिर्फ जुलाई में हुई है। औसतन अगर आप देखें जुलाई में तो करीब 865 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन औसत से ज्यादा बारिश अब तक जुलाई में हो चुकी है, जुलाई अभी बाकी है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर न ही मुंबई बल्कि मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, मतलब पालघर है, ठाणे है, कल्याण है, डोंबिवली है, ये सब जो इलाके हैं खास करके वहां पे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हुई है, क्योंकि इनमें से कई ऐसी जगह है जो कि लो लाइंग एरिया में है। मसलन अगर आप पालघर में वसई की बात कर लीजिए, ठाणे की बात कर लीजिए, इन सब जगहों से लोकल की कनेक्टिविटी होती है और लोकल वहां से गुजरती है, इसकी वजह से लोकल में डिसरप्शन हुआ, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो आम जनजीवन होता है, जो खास करके ऑफिस गोअर्स होते हैं, उसको काफी दिक्कत हुई। पिछले दिनों हमने देखा था कि कसारा और कल्याण के बीच में ट्रेनें रोक दी गई थी, ठाणे से जो ट्रेन चल रही थी ठाणे से सीएसटी की तरफ वो ट्रेन भी कैंसिल कर दी गई थी। तो सबर्बन रेलवे काफी डिस्टर्ब था बारिश के कारण। जल जमाव की अगर आप बात करें तो अंधेरी सबवे जो है वहां पे एनडीआरएफ की टीम ऑलरेडी, अंधेरी घाट पर कुडला इन सब जगहों पर ऑलरेडी एनडीआरएफ की टीम अभी डिप्लॉयड है। वहां पे कई जगहों पर जल जमाव की वजह से बसों को डाइवर्ट किया गया है। अगर आप मुंबई से बाहर जाए, मतलब अगर आप कोंकण रूट देखेंगे जिसमें से सिंधुदुर्ग है, रत्नागिरी है, रायगढ़ है, इस जगह पर जो मेन लाइन नेटवर्क होता है रेल लाइन का, वहां पे दिक्कत हुई है। करीब 20 से ज्यादा ट्रेनों को या तो डाइवर्ट किया गया है, या तो शॉर्ट टर्मिनेट किया गया, या तो उनको कैंसिल किया गया है। इसकी वजह यह है कि जो अगर आप इस रूट में देखें तो कई सारे टनल्स हैं, अभी एक सप्ताह के अंदर दो बार ट्रेनें जो है वहां पर ये सिचुएशन फेस करना पड़ा कि एक जगह या तो सिंधुदुर्ग के पास टनल में पूरा पानी आ गया, इसके कारण ट्रेन रोक दी गई। दूसरी घटना परसों हुई जब रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच में सॉइल स्पिलिंग, इसको बोलते हैं, मट्टी का बहाव बहुत ज्यादा हो गया, इस वजह से ट्रेनें की सर्विस डिस्टर्ब कर दी गई। कोंकण के अलावा अगर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र जाए तो कोल्हापुर, सतारा, इन सब जगहों पर जबरदस्त बारिश हो रही है। सांगली में जो है वो कृष्णा नदी जो है उसका पानी कई घरों में गया है, इसकी वजह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। ओवरऑल अगर आप महाराष्ट्र की बात देखें, बारिश हर जगह हो रही है। अगर अलर्ट की बात करें, आईएमडी की पर्टिकुलर प्रेडिक्शन की बात करें तो कोल्हापुर के लिए सिंधुदुर्ग के रेड अलर्ट है, बाकी जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट है, मुंबई के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है। मुंबई पुलिस ने कल ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने लोगों से आह्वान किया था कि वो घरों से तभी निकले जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। सर्विसेज अगर प्रशासनिक तैयारी की बात करें, बीएमपी हो, मुंबई पुलिस हो, या फिर एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, जो भी एजेंसी जो होती है वो ऑलरेडी जो है काम पर लगी हुई है, स्टैंड बाय में है, रेस्क्यू ऑपरेशन हो या फिर मदद पहुंचाने की बात हो वो ऑलरेडी उनको पहले ही स्टैंड बाय पर रखा गया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट है और कोशिश है कि जो पीड़ित हैं उन तक राहत जरूर से जल्द से पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम संवाददाता पार्थ, योगेश, देवशीष और रामेंद्र इस अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार आपसे अपडेट देते रहेंगे। इस वक्त देश में मॉनसून की स्थिति को लेकर यहाँ पर खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा। आपको बता दें खबरों के बाद बात करेंगे क्या कुछ बजट को लेकर है इस वक्त आमजन की उम्मीदें, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए नया।